वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज का रेसिपी है लौकी का रसीले हलवा, जो खाने में टेस्टी है और बनाना आसान है, डिलीशियस है। एक बार ट्राई करके आप भी देखें। मेरे चैनल को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लौकी का हलवा बनाने के लिए आधा लौकी है। लौकी का छिलका उतार कर लौकी को कद्दूकस करेंगे। लौकी का छिलका उतार लिए हैं, लौकी को कद्दूकस कर लिए हैं, लौकी का बीज निकाल लिए हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, एक चम्मच घी डालेंगे, दो चम्मच घी, घी को पिघलने देंगे। गर्म हो गया है, कद्दूकस किया हुआ लौकी डालेंगे। एक कटोरी लौकी है, लौकी को मीडियम आंच में फ्राई करेंगे। लौकी का बीज निकाल लिए हैं, लौकी को चलाते रहेंगे बीच बीच में। लौकी फ्राई हो गया है, लौकी को 5 मिनट तक मीडियम आंच में फ्राई किए हैं। एक पाव दूध डालेंगे, मिक्स करेंगे। चार चम्मच चीनी, 2 इलायची, 2 चम्मच खोआ, मिक्स करेंगे। लो फ्लेम में लौकी का हलवा को पकाएंगे तो अच्छा से पकेगा। बीच बीच में चलाते रहेंगे। आधा चम्मच घी डालेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक होने तक लौकी का हलवा को कुक करेंगे। लौकी का हलवा रेडी हो गया है, गैस को ऑफ करेंगे। लौकी का हलवा को बाउल में रखेंगे। लौकी का हलवा को बादाम से गार्निश करेंगे। लौकी का हलवा को बादाम से गार्निश कर लिए हैं।